Greetings from Heartcare Foundation of India and eMedi News. Welcome to our show, Chat with Dr. KK. We have with us Dr. Sujay Shad, who is a senior cardiothoracic surgeon at Delhi-based Gangaram Hospital. And इनकी खासियत ये है कि दिल्ली का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने किया. Welcome to our show. Before we go to the show and ask you questions, मैं एक सिमली देना चाहता हूँ आम जनता को समझाने के लिए कि बाईपास क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है. और मैं उस सिमली को देता हुआ फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा. एक आदमी को ब्लॉकेजेस हैं तो मैं लेके चलता हूँ कि मेरे शरीर के अंदर में तीन रोड्स हैं, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, मिडल रिंग रोड. तो मेरी तीन कोरोनरी आर्टरीज हैं. कोरोनरी आर्टरीज के दोनों, हर रोड के दोनों तरफ दुकानें होती हैं. इसको मैं एंडोथेलियल सेल्स बोलता हूँ, मेरी आर्टरी की सेल्स हैं. हर दुकान के आगे पटरी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीमा मीडिया. और सड़क पे फ्लो चल रहा होता है, सड़क में गाड़ियां चल रही होती हैं. तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि पटरी को इंक्रोच करते हैं. दुकान का सामान पटरी में डाल के तो जो पटरी में चलते हैं वो जमीन पे आ गए. दैट इज ब्लॉकेज स्टेज नंबर वन. जी. उसके बाद में लोग क्या करते हैं कि जब देख रहे हैं कि पटरी के ऊपर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके उनको रोक नहीं रही तो दुकान का सामान सड़क पर ले आते हैं, फोल्डेबल, कभी लाया कभी अंदर, कभी आया कभी बाहर कभी अंदर, सॉफ्ट प्लेक. फिर वो परमानेंटली काट देते हैं हार्ड प्लेक, कैल्सिफाइड प्लेक. और फिर वो एंक्रोच करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. स्टेनोसिस 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. इसके बाद में लोग क्या करते हैं कि गाड़ियां आ रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है. ट्रैफिक स्लो हो गया तो हॉर्न बजाएंगे तो एंजाइना, कंटिन्यूस हॉर्न बजाएंगे तो अनस्टेबल एंजाइना. और अगर गाड़ी रुक गई, इंजन चल रहा है तो हार्ट अटैक, इंजन भी बंद हो गया तो कार्डियक अरेस्ट. अब मेरे को इसको रोकना है तो मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं जगह जगह पे रेड लाइट लगा दूंगा, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, चौराहे लगा दूंगा ताकि ट्रैफिक थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, इससे भी मेरा काम नहीं बनेगा तो मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा कर दूंगा, वो फ्लो को डाइवर्ट करेगा. दैट इज क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट. फ्लो को डाइवर्ट करना मतलब दवाइयां देके, दवाइयों से फ्लो को डाइवर्ट कर देगा, नेचुरल बाईपास कर देगा. उससे भी काम नहीं चलेगा तो मैं एक आर्किटेक्ट को हायर करूंगा, नक्शे बना, वो एंजियोग्राफी करेगा नक्शे बनाने के लिए. तो आर्किटेक्ट आया, उसने नक्शे बना दिए, उसने बोला ये सड़कें यहां से चौड़ी हो सकती हैं तो एंजियोप्लास्टी. जैसे सड़कें चौड़ी करी तो लोग दोबारा एंक्रोच कर लेते हैं, रीस्टेनोसिस. उसको रोकने के लिए वो रेलिंग लगा देता है, दैट इज स्टेंटिंग. रेलिंग के अंदर में लोग रेलिंग को ना तोड़ दें तो उसमें करंट लगा देता है रेलिंग के अंदर में, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स. अगर उसको लग रहा है कि सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती तो कहते मैं दो चीजें कर सकता हूं, जो अंडरपास बना देता हूं या ऊपर से फ्लाईओवर बना देता हूं, दैट इज बायपास. अगर उसने बायपास, अगर उसने फ्लाईओवर बनाना है और पूरे रास्ते को ब्लॉक करना है कि ये रास्ता बंद कर दूंगा, सारे फ्लो को डाइवर्ट कर दिया, तो ओपन हार्ट बायपास, हार्ट एंड लंग मशीन के अंदर में. और अगर वो लगता है कि मैं ट्रैफिक भी चलता रहेगा, मैं रातों रात मेट्रो की तरह बायपास कर दूंगा, दैट इज बीटिंग बायपास, दैट इज बीटिंग हार्ट. सो एम आई करेक्ट? बिल्कुल इन माय एनालॉजी. फैंसी. ओके, नाउ माय क्वेश्चंस आर कि नॉर्मली इसका मतलब है, अगर ये एनालॉजी करेक्ट है, देन बायपास इज द इंडिकेशन व्हेन लाइफस्टाइल फेल्स, मेडिसिन फेल्स एंड एंजियोप्लास्टी कैन नॉट बी डन, और देयर इज अ सिचुएशन जहां पे लाइक मेन आर्टरी के अंदर में ट्रैफिक जाम है. yeah. और अगर वो ट्रैफिक जाम कोलैप्स कर गया तो पूरा सिटी क्लॉस हो जाएगा. ठीक है, सो इस लैंग्वेज के अंदर में कौन कौन सी मेन इंडिकेशंस है फॉर बाईपास? बाईपास सर्जरी के लिए मेन इंडिकेशन तो ये होगी, अगर सारी की सारी आपकी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, अगर आपकी सारी की सारी रोड्स में ट्रैफिक आपका इंक्रीज हो गया है तो आपको एडिशनल रूट्स देने ही पड़ेंगे. और अगर आप नेचुरल एडिशनल रूट्स नहीं है तो, अगर आपके पास नेचुरल रूट्स नहीं है तो आपको एडिशनल रूट्स देने पड़ेंगे ताकि आपका ब्लड, जो ब्लड फ्लो है या ट्रैफिक फ्लो है वो ठीक तरह से चलता रहे. क्योंकि यू कैनॉट हैव अ सिचुएशन जहाँ पर आपका ट्रैफिक स्लो चले, यू कैनॉट हैव अ सिचुएशन जहाँ ट्रैफिक रुक जाए. तो ना तो आप हार्ट अटैक ले सकते हैं, ना आप ट्रैफिक इतना स्लो करके एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो सिटी है उसका काम चलना बंद हो जाए, कि आप बेड में ही बैठे हुए हैं, आप हिलते भी हैं तो आपको एंजाइना होना शुरू हो जाता है. मेरे पास एक पेशेंट था, ही वॉज ए फिल्म स्टार, आई एम नॉट नेमिंग हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years बैक. वो आया हमारे पास में एंड हिज ट्रेडमिल वॉज नेगेटिव. 12 मिनट ट्रेडमिल किया एंड ट्रेडमिल वॉज नेगेटिव, एसिम्प्टोमैटिक, एसिम्प्टोमैटिक टोटल, नो सिम्टम्स एट ऑल, ट्रेडमिल नेगेटिव.
नहीं नहीं मैं उस वक्त में एंजियोग्राफी स्टार्ट हुई थी दिल्ली के अंदर में, तो किसी ने बोला कि तू भी करा ले, ओके दैट वाज अ न्यू दैट वाज अ एंजियोग्राफी उस वक्त में स्टार्ट हुई थी उसके साथ में, तो उसकी एंजियोग्राफी हो गई, ऑल थ्री आर्टरीज 100% ब्लॉक्ड, तीनों आर्टरीज 100% ब्लॉक्ड, इनफ कोलेटरल्स टू मेक द ट्रेडमिल नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? जिस पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है और जो आदमी 12 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ सकता है, उस पेशेंट के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है, चाहे तीनों आर्टरियां ब्लॉक, चाहे जो मर्जी, इनफैक्ट एंजियोग्राफी की इंडिकेशन भी नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि तीनों आर्टरियां ब्लॉक है, इसका मतलब उसके जो नेचुरल बायपासिस हो गए, व्हाटएवर, भगवान जिसके लिए काम कर रहा है उसके लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अब हार्ट को कोई ना कोई तकलीफ होनी जरूरी है, पेशेंट को कोई ना कोई तकलीफ होनी जरूरी है, इससे पहले कि हम उसके लिए कोई इलाज करना शुरू करें। हम अल्टीमेटली पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, हम एंजियोग्राफी मशीन को नहीं ठीक कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट मस्ट हैव सिम्टम्स। पेशेंट अगर सिम्टम नहीं है, कुछ पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं होते, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको सिम्टम्स नहीं होते, पर उसमें ट्रेडमिल टेस्ट मस्ट बी पॉजिटिव इससे पहले कि हम उस पेशेंट के लिए कुछ करें। ओके अगर कोई आदमी बाईपास के लिए आता है आज की डेट में, तो कितनी उसकी मोर्टैलिटी है? हमने जो लास्ट 2000 पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं उसमें हमारी मोर्टैलिटी 0.5% रही है, और इसमें हमने ऐसे पेशेंट्स को भी ऑपरेट किया है कि जो इमरजेंसी में आए और कार्डियक अरेस्ट में थे, हम उनको मसाज करते हुए CPR करते हुए उनको कैथ लैब में लेके आए, वहाँ थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट आई, हमने एंजियोग्राफी की और वहाँ से मसाज करते हुए उनको OT में लेकर गए। तो ऐसे भी पेशेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, बट पिछले 2000 ऑपरेशंस में हमारे 0.5% 99.5% हमारी सक्सेस रहती है। एंड इसका मतलब है कि बाईपास के अंदर में एब्सोल्युटली घबराने की जरूरत नहीं, एब्सोल्युटली घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिजीज है आपकी, खासतौर पे ऐसी डिजीज जो आपको सिम्टम्स दे रही है या आपकी एक्सरसाइज को लिमिट करती है, ओके, वो आपको एक ना एक दिन पकड़ेगी। जब आपने बाईपास करना है तो आप दो प्रकार का बाईपास है, एक में आर्टरी ले रहे हैं, एक में आप वेन ले रहे हैं पैर से, जी। एक होता है टोटल आर्टरी कि आप सारी आर्टरीज यूज करो, जी। तो आपके हॉस्पिटल में कितने परसेंट ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप वेन यूज ही नहीं करते? ये 25% के करीब पेशेंट्स में हम कर रहे हैं, और यूरोपियन जो सोसाइटी है उसका मानना है कि अगर कोई हॉस्पिटल 20% पेशेंट्स में आर्टेरियल ग्राफ्टिंग मोर देन वन बायलैटरल मेमोरी अगर यूज नहीं कर रहे, दो ग्राफ्ट्स आर्टेरियल नहीं कर रहे, तो वो पुअर क्वालिटी हॉस्पिटल है, उसमें जो है आपको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। तो आप लोग कितना कर रहे हैं? 25% के अंदर में bilateral artery. Bilateral artery. किस सिचुएशन में bilateral artery पॉसिबल नहीं? एल्डरली, एल्डरली में पॉसिबल है, एल्डरली में पॉसिबल है, बट उसमें सवाल ये आ जाता है कि आप बूढ़े आदमी में एक थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करके उसको कितना बेनिफिट दे सकते हो, इस बात पर सवाल आ जाता है। बट यंग पेशेंट्स, हम यंग बोलते हैं लेस देन 60 ईयर ओल्ड पेशेंट जो बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, इवन इफ डायबिटिक है, हम उनमें bilateral मेमोरीज करते हैं। So, जहां तक पॉसिबल है हम लोग डायबिटीज नो लॉन्गर, आजकल एक और नया फैशन आ गया है कि आप दो आप मेमोरी लगा दो, इंटरनल आर्टरी लगा दो, और बाकी जो बच गया वेन लगाने के बदले उसकी एंजियोप्लास्टी कर दो। वो भी कर सकते हैं, पर जब आपने चेस्ट खोली हुई है उस टाइम आप एक आधा वेन भी लगा दें तो उसमें कोई बुराई नहीं। वो कहते हैं कि एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स वेन से बेटर है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, प्योरली गलत है। So, आप द वर्स्ट बाईपास सर्जरी इज बेटर देन एन एंजियोप्लास्टी, दिस आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग। ये है जरूर कि आपको 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। किस उम्र में आपने यंगेस्ट बाईपास किया है? 26 ओल्डेस्ट 92 में। इसका मतलब 92 साल की उम्र में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं। नाउ आई विल गिव यू 92 साल का आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको आप 92 साल का जो 80 साल का दिखता है, करेक्ट, ठीक है, हैज टू बी यंगर देन 92 जो है, मतलब 80 साल का दिखना चाहिए, बॉडी उसकी 80 साल की तरह बिहेव करनी चाहिए। जो सुबह शाम शॉपिंग करने जाते हैं, बच्चों के लिए सब्जी लेकर आ रहे हैं। अब मैं एक चीज और लेके चलूं, ऐसा मानना है कि एवरेज लाइफ ऑफ एनी इंटरवेंशन इज 5-7 years, एवरेज लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, कुछ 30 भी निकल जाएंगे तो कुछ 6 महीने में भी बंद हो जाएंगे। अगर किसी की उम्र 40 साल है जी, मान लीजिए, और उसको 80 साल तक जीना है, तो मैं 40 साल कैसे काटूं? इसका मतलब है, इसका एग्जांपल क्या है, लोग देते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारी चीफ मिनिस्टर का, या प्राइम मिनिस्टर के 25 साल में 5 हो गए, 2 बाईपास हो गए, 2 एंजियोप्लास्टी, 4 हो गए, चीफ मिनिस्टर की हमारी जो है बाईपास हो गया, 1 एंजियोप्लास्टी हो गई, तो पब्लिक के मन में परसेप्शन है कि 5 साल की एवरेज लाइफ है। तो क्या
अगर मेरे को 40 साल निकालने हैं और मेरे अंदर में 5 साल की एवरेज लाइफ है, समझ लो कि मेरी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि जो भी प्रोसीजर करोगे 5 साल चलेगा, तो 40 साल काटने के लिए क्या 8 प्रोसीजर हो सकते हैं कि 2-3 बायपास हो गए, 4-5 एंजियोप्लास्टी हो गई? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। मेरे कहने का मतलब है कितने बायपास हो सकते हैं और कितनी बार एंजियोप्लास्टी हो सकती है? एंजियोप्लास्टी भी 2 बार से ज्यादा एक आर्टरी के अंदर अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है, और बाईपास सर्जरी भी एक पेशेंट के अंदर दूसरी बार तो कर सकते हैं आराम से, पर जब आप तीसरी बार के ऊपर पहुंचते हैं तो वो दिक्कतें जो है उसकी बढ़ जाती हैं, उसके डेथ रिस्क बढ़ जाते हैं। सो 2 एंजियोप्लास्टी और 2 बाईपास सर्जरी तकरीबन इतना मान कर 4 × 8 32 साल तो आराम से आदमी निकाल सकता है अगर वो चाहे तो, अपनी जिंदगी खरीदना चाहे तो। बट डिसिप्लिन जो इस काम के लिए चाहिए, सिर्फ वही आदमी इस चीज को 30-32 साल निकालेगा जो अपनी जिंदगी में ऑपरेशंस के, स्टेंटिंग के, एंजाइना के बाद एक डिसिप्लिन लाइफ रहेगा। जो तो ये जो सर्जन कहते हैं कि तेरे हार्ट मैंने 16 साल का कर दिया तू जाके एंजॉय, दैट इज ऑल रॉन्ग, दैट इज ऑल रॉन्ग। डिसिप्लिन लाइफ जीना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, और हमने दुनिया को सिखाया है और हम दुनिया से अब सीख रहे हैं, हमारी ये हालत है। सो डॉक्टर शायर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आपका बायपास होता है या आपकी एंजियोप्लास्टी होती है तो उसके बाद में एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं लेकिन डिसिप्लिन याद रखिए, अगर आप फ्लाईओवर बना दें और अगर आपने ट्रैफिक को डिसिप्लिन नहीं किया तो फ्लाईओवर भी जाम हो जाएगा, फ्लाईओवर का कोई फायदा नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कम बैक विद वन मोर शो, टिल दैट गुड बाय, थैंक यू।